माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजली इंग्लिश सॉल्यूशन। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर। देखिए, यह जो चैप्टर है भारत के आज़ादी की लड़ाई के बारे में है। इस चैप्टर में मेनली 1920 के बाद से जो है स्टोरी दिया हुआ है आज़ादी की लड़ाई की कहानी। इसमें नन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में मुख्य रूप से आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस ने डेवलप किया और किस प्रकार से अलग अलग सामाजिक ग्रुप को जोड़ा और वे लोग पार्टिसिपेट किए मूवमेंट में, और नेशनलिज्म यानी एक राष्ट्रवाद की भावना ने, राष्ट्र के प्रति एक प्रेम की भावना ने लोगों के इमेजिनेशन पर कैसे छा गया। तो आइए आगे हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट वर्ल्ड वार खिलाफत एंड नन कोऑपरेशन, यानी प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो देखिए इसमें क्या है, वास्तव में 1919 के वर्षों के बाद हम लोग देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है वह नए नए क्षेत्रों में फैलने लगा और नए नए सामाजिक वर्ग इसमें जुड़ने लगे, नया ही एक तरीका डेवलप हो गया संघर्ष का। तो कैसे हम लोग इन विकासों को, इन बदलावों को समझेंगे और किस प्रकार से वे इम्प्लाई किए गए, लागू किए गए समाज में। सबसे पहले तो ये हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसके चलते क्या प्रॉब्लम हुआ, तो उसके चलते इकोनॉमिकल, आर्थिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक एक नया ही सिचुएशन खड़ा हो गया, प्रॉब्लम का सिचुएशन। और इसके चलते क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा खर्च, युद्ध होगा तो सेना पर ज़्यादा खर्च होगा, डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और जिसके चलते अब लोन में पड़ गई सरकार, जो इंग्लैंड की सरकार थी, और उसने क्या कर दिया, उसको फुलफिल करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया और एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया, इनकम टैक्स उसी टाइम बना दिया। अब देखिए, जो वार हो रहा था, वार के चलते बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, एक्सपेंडिचर बढ़ा था, तो सभी जो आवश्यक वस्तुएं थी, ज़रूरी चीज़ें थी, उनका प्राइस क्या हो गया था, डबल हो गया था। यह 1913-1918 की बात है, और जिसके चलते लोगों को बहुत ही हार्डशिप का सामना करना पड़ा था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था आम लोगों को। गाँव की क्या सिचुएशन थी, तो गाँव की सिचुएशन भी बहुत ख़राब थी। गाँव में से सोल्जर सप्लाई किए जाते थे, यानी गाँव को ऑर्डर दिया गया था, आप लोग सैनिक भेजिए इंग्लैंड की तरफ से वर्ल्ड वार फर्स्ट में लड़ने के लिए। तो फोर्स्ट रिक्रूटमेंट हो रहा था, जबरन भर्ती किया जा रहा था सेना में, ग्रामीण क्षेत्रों में से लोगों को पकड़कर, और यही ग्रामीण लोगों के नाराज़गी का कारण था ब्रिटिशर्स के प्रति। और अब देखिए, 1920 to 1921 में क्या हुआ, भारत के बहुत सारे भागों में जो फसल है वह खराब हो गई, क्रॉप फेल हो गया, तो इसके चलते बहुत ही भोजन की कमी हो गई, और साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया, यानी एक यह महामारी है। तो 1921 की यदि जनगणना देखें आप, तो उसके अनुसार करीब 12 से 13 मिलियन, एक मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, तो 12 से 13 मिलियन लोगों का जान जो था खतरे में पड़ गया था, और इसके साथ सूखा भी पड़ गया, अकाल, और ये महामारी भी था, तो इसके चलते ये सब हुआ। अब देखिए, लोग ये आशा करते थे, लोगों का होप ये था कि उनकी ये जो कठिनाई है यह युद्ध के बाद क्या हो जाएगा, कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएंगी जब युद्ध ख़त्म होगा तो। लेकिन क्या वैसा हुआ, वैसा नहीं हुआ, बट दैट डिडंट हैपन। अब देखिए, ठीक उसी समय क्या होता है, एक नए लीडर, एक नए नेता सामने आते हैं और वो एक नया आइडिया सजेस्ट करते हैं, स्ट्रगल करने का, संघर्ष करने का, ठीक है। अब वो नए नेता भारतीयों को एक नए तरीके से आंदोलन की ओर ले जाएंगे। तो ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी देखते रहिए, और इस चैप्टर का बस इसी छोटे छोटे ड्यूरेशन में 4 मिनट to 5 मिनट तक का ही पॉइंट का, एक एक पॉइंट का वीडियो आता रहेगा। आप जुड़े रहिए इजली इंग्लिश सॉल्यूशन से और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।